ये है iPad Pro। गौरव चौधरी वो टेक्निकल गुरुजी वाले गौरव चौधरी बिल्कुल नहीं है, ये तो रेस्ट मोड पे भाई। डर गया अग्रेसिव नहीं, डर गया भाई ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी शाम के 5 बजे हैं और आज का व्लॉग मैं अभी शूट कर रहा हूँ। कल एक व्लॉग का डिले हो गया था, उसका क्या रीज़न था मैं अभी बता दूंगा व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं मेरे पार्टनर को व्लॉग में लेता हूँ, जो कि है मेरे चाचू, आप लोगों को पता ही है हमेशा की तरह। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सबसे पहले व्लॉग में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है कि कल की डेट में एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, जिसने कुछ ऐसा डाला था कि अमेजन से उसके साथ एक स्कैम हुआ है। उस स्कैम क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है हमारे रूम में आ गए हैं, और कल का सीन कुछ ऐसा था, कल एक वायरल वीडियो चल रहा था जिसमें हुआ यह था कि गौरव चौधरी नाम का एक यूट्यूबर है, वो खुद भी बंदा एक यूट्यूबर है, उसके साथ ऐसा हुआ था कि अमेजन से उन्होंने iPad Pro मंगाया था, और उसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। एक iPad Pro मंगवाया था, तो iPad Pro के बदले में उनको क्या मिला? उन्होंने एक iPad Pro मंगवाया और उन्होंने अपने वीडियो में ब्लेम किया पूरे के पूरे अमेजन कंपनी को, इस बात को लेकर के कि अमेजन ने उनको iPad की जगह, मतलब जहाँ अनबॉक्सिंग में iPad निकलना चाहिए था, वहाँ पर एक संगमरमर यानी कि मार्बल का टुकड़ा निकलता है वहाँ पर, और इस तरह का एक वीडियो बनाया उन्होंने। वो वीडियो खूब वायरल हुआ माय डियर फ्रेंड्स, आज पूरा दिन, काव्य पूरा दिन चला है वो वीडियो, अभी भी वो वीडियो चल रहा है कंटिन्यू। मैंने 2 घंटे के अंदर उस वीडियो के व्यू जो है वो देखे, अप्रोक्स 40,000 व्यू इंक्रीज हो गए थे। तो गाइस, वो जो वीडियो है अभी की टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बहुत गलत हुआ अगर उस बंदे के साथ में ऐसा हुआ है, बिकॉज iPad Pro बहुत बड़ी बात है। 90,000 का बंदे का ऑर्डर था, और 90,000 के बजाय उसको एक मार्बल का पीस मिलता है, तो सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और किसी भी बंदे के साथ, बिकॉज वो बंदा बोल रहा है कि मेरी 6 महीने की मेहनत थी, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। तो 6 महीने की मेहनत बहुत बड़ी बात है, और 6 महीना छोड़ो, अगर बंदा 1 महीना, अगर कोई मजदूर 1 दिन भी अपनी मेहनत से अपना खाने का गुजारा करता है, तो उसने तो बेचारे ने iPad Pro मंगवाया था यार, पूरे दिन की मेहनत करके, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। बाकी मेरे साथ, चाचू के साथ, मेरी फैमिली के साथ, जितनी भी हमारी जो फैमिली है उनके साथ आज तक कभी ऐसा सीन नहीं हुआ था। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स शुरू हुआ है, हमने बहुतों बार और हजारों हजार लोगों ने हजारों हजार प्रोडक्ट्स मंगवाए होंगे अमेजन, आपके फ्लिपकार्ट, डेली जो है अमेजन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। यस फ्रेंड्स, अब तक अमेजन, ये आपके फ्लिपकार्ट, एजियो, फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर ये निकल कर आई, जब हम लोगों ने काफी, जब अपन ने वो वीडियो देखा, तो शुरू में तो हमें भी ये लगा कि मतलब यार इस तरह का कैसा हो सकता है, लेकिन कुछ केस हैं, जब हम पूरे केस को स्टडी करते हैं उस चीज को, तो दोस्तों कई चीजें सामने से निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज कि अगर गौरव चौधरी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भाई के साथ में वास्तव में बहुत नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा डाला था, इन्वेस्ट किया था iPad के अंदर, और अगर उस तरह से उसको पत्थर मिला है, तो वो रियली वेरी बैड एंड स्ट्रेंज थिंग। हालांकि उसका कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकालेगी, अमेजन भी इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसको फ्लॉप तो नहीं कर सकती है, बट हाँ उसकी जो है 4-5 दिन लगेंगे। आज एक और वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अमेजन के कस्टमर केयर से जो है बात की थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वैसे उस वीडियो का लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, और बंदा कौन था, कैसा उनका टाइटल है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं। इस तरह के जब भी वाकया होते हैं ना दोस्तों, तो ना अकेली कंपनी फॉल्टी होती है, अकेली कंपनी को भी दोष देना गलत हो जाता है, क्योंकि अमेजन अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अभी भी हम आपको अलग अलग कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं, iPad, MacBook वगैरह वगैरह, जो बहुत महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऑर्डर्स और उनके ऑर्डर्स के जो यूजर के जो रियल रिव्यूज हैं अमेजन की सर्विस को लेके, या फिर फ्लिपकार्ट को कह लें, तो वो भी हम लोग आपको इस वीडियो में अभी दिखाएंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके साइड स्क्रीन पर स्क्रीन फ्लैश कर रही है। तो दोस्तों, एक तरफ तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, और वहीं पर एक कस्टमर निकल कर आते हैं इतनी भीड़ में से, और वो बोलते हैं कि मेरे साथ में ये स्कैम हुआ है। तो दोस्तों, मैं तो बेसिकली ये कहूँगा कि बहुत बुरी बात है,
आप भी अपनी राय दें कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आपके साथ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है वाइल शॉपिंग थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या आपके साथ ऐसा कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो? ऑनलाइन इतना ज्यादा ट्रेंड में होकर कर उनके साथ में ऐसा अगर स्कैम हो रहा तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले गाइस आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आप लोग जब आप कभी भी आपकी आपकी लाइफ में अगर आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है तो आपके माइंड में कभी ये आया है कि मेरे साथ में कोई गलत प्रोडक्ट आ गया हो? बिकॉज बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि क्या है उससे मंगवाएंगे तो पत्थर आ जाता है लोगों ने, मतलब बहुत बार ये चीज़ हमने सुनी है। बट हमने आज तक ये जो मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, हम लोग हमारी फैमिली में जितने भी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन से ऑर्डर की है, बहुत सी चीज़ें हमने ऑनलाइन से ऑर्डर की और हमारे साथ कभी जो है ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स उस बंदे के साथ में ऐसा हुआ है अगर अमेजन से बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो गाइस ऐसा किसी को भी ब्लेम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल काव्या सही बोल रहे हैं आप। तो गाइस जैसे कि चाचू आपको बोल रहे थे गौरव चौधरी नाम का वो बंदा है, तो गौरव चौधरी वो टेक्निकल गुरुजी वाले गौरव चौधरी बिल्कुल नहीं है। ये जो गौरव चौधरी है ये भी एक यूट्यूबर है, अप्रोक्स 3 लाख उनके जो है सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। तो इनका जो वीडियो है वो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इन्होंने जो है कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया था अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि उनको जो है गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप जो है इस वीडियो में सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो क्लिप है वो वाली क्लिप है कि अमेजन वाले जो है वो उस बंदे से एक फ़ोटो मांगते हैं जो उनको रियल में जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, जो मार्बल का पीस उनको डिलीवर हुआ है, तो ये बंदा उनको फ़ोटो भेजता है। उसके बाद में कंपनी वाले ये बोलते हैं और वो बंदा ये बोलता है, वो थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सर एक्चुअली अभी तक आए नहीं है, अपलोड करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक किया? सेंड फोटोज पे हाँ मैम, बता सकते हैं मैं क्या करूँ, मैं 4 दिन मैंने रुका हूँ, मेरी 6 महीने की मेहनत के पैसे हैं, मुझे ये मिला है, मेरे पास प्रॉपर वीडियो है मैम, हमने इस बॉक्स को ओपन ही नहीं किया था, वीडियो में हमने ओपन किया बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव अ बेस ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे उस पर डालना था बिकॉज मेरे लोग रुके थे, बट मुझे ये मिला है ना व्हाट शुड। तो इस बंदे का भी एक यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा क्लिप मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता बिकॉज मेरे भी कॉपीराइट का डर रहता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ को क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन जो है पूरे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होंगे और हम लोग भी करते हैं, तो आज के टाइम में लगभग जो पीपल है वो ऑनलाइन से अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं अपने मोबाइल को लेकर के, और कोई भी जो प्रोडक्ट है वो आप ऑनलाइन से मंगवाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में ये कोई रोस्टेड वीडियो नहीं है, ये कोई किसी को कमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहली चीज़ हम सिर्फ हमारा जो व्यू है वो हम दे रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने कल रात को इस मोटिव पे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बातें की है कि ऐसा कभी हो सकता है। और फिर फ्रेंड्स वो जो वीडियो है ना, मतलब इस बंदे का जो वीडियो है, उस वीडियो का जब आप देखेंगे तो आप खुद इस वीडियो को देख करके अपनी राय दर्ज करें हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि वास्तव में ऐसी ठगी हुई होगी। एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। iPad ऑर्डर किया था 12.9 इंच, ये है iPad Pro। ऐसा कुछ स्कैम जो है उस बंदे के साथ में कल हो गया था। एक चीज और बताना चाहूंगा काव्य, मैं यहाँ पर जितने भी जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं काव्य दादी व्लॉग्स, दोस्तों सबसे पहली चीज, जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता है उसका एक्साइटमेंट यहाँ होता है, और जब उसका एक्साइटमेंट यहाँ है और एकदम से उसके साथ में प्रोडक्ट की जगह स्टोन आ जाता है, पत्थर आ जाता है, तो उसका एक्साइटमेंट यहाँ चला जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, वो हताश हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन जो गौरव चौधरी हैं, आप उनका वीडियो देखें और उस पूरे वीडियो को जज करें आप खुद से, अगर आपको लगे कि भाई यहाँ क्या हुआ है, आप खुद अपनी राय दर्ज करें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स अमेजन स्कैम के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको थोड़ा बहुत फूड खिलाने के लिए, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। एज यूजुअल हमारा जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है बिकॉज लॉकडाउन के चलते हुए जो है एनिमल्स को फूड नहीं मिलता है, बिकॉज मार्केट ओपन रहता था तो वो वहाँ से अपना जो है खाना खा लेते थे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारी जो चपातीज हैं वो लेकर के स्ट्रीट डॉग्स के पास में, बिकॉज हमारे इलाके के जो डॉग्स हैं उनको चपाती बहुत ज़्यादा पसंद है। चले चलो। तो गाइज अभी का सीन ये था कि हम लोग आए हैं डॉगीज़ को रोटियां डालने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्पेशली हर 2-3 दिन के अंतराल में ऐसे एक पूरा का पूरा बल्क बनवा लेते हैं चपातीज़ का, और भाभी बना देती हैं
जितने भी जो ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जो हैं उनके लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो एक प्यारा सा पप्पी हमारे साथ यहाँ पर है भी, दिखाना चाहूँगा आपको। डर रहा है दोस्तों, ये जो पप्पीज होते हैं, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये पूरी तरह से हम ही लोगों पर आश्रित हैं और हमें ही इनका ध्यान रखना होता है। तो कोशिश करें आप लोग भी जब भी खाना खुद खाते हैं, एक रोटी कुत्ते के लिए अलग से निकालें, और अगर संभव हो सके तो हमारी तरह इस तरह से आप भी स्पेशली 10, 12, 5, 7 जो भी आपकी इच्छा हो आप अलग से रोटियां बना करके कुत्तों के लिए निकाल सकते हैं। जैसे ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, घरों में तो अच्छे अच्छे कुत्ते सभी लोग पालते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं है, तो मेनली ये एक प्रयोजन है। एक और आया काव्य, तो अभी एक डॉग और आ गया है, इसका ही भाई होगा, कलर से भी इसका भाई लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स फिलहाल इनको हमने जो है खाना खिला दिया है, और अभी हम हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं और भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिला देते हैं। गाड़ी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं और घर के बाहर दो ही स्ट्रीट डॉग थे, उनको हमने खाना दे दिया है, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं जहाँ पर भी जो भी डॉग्स हमें मिलते हैं तो एटलीस्ट जितना संभव हो सके उतना तो हम हमारी तरफ से उनको खिला ही देते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें गाय मिली है, हम इस गाय को भी देंगे रोटी और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमें दो डॉग्स और मिले हैं, चाचू इसको खाना खिला। ये तो रेस्ट मोड पे भाई, अग्रेसिव लग रहा है चाचू, ये तो डर गया अग्रेसिव नहीं, डर गया भाई ये। आजा पीछे जाकर ऐसे नहीं। तो गाइस हमने डॉग्स को फूड खिला दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पे। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और फिलहाल हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, चाचू बैठे हैं बाहर, तो मैं सोच रहा था इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए धमाके के साथ में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, घर पे रहना, सेफ रहना, कोरोना में बच के रहना, अपना प्रोटेक्शन पूरी तरह से रखना गाइस। और आज का जो वीडियो है वो कोई रोस्टेड वीडियो नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा वीडियो है, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर थोड़ा सा ऐसा हो रहा था और उस बंदे को जो है आईपैड के जगह पे स्टोन मिला, तो मैंने सोचा कि वीडियो में कवर करना चाहिए इस चीज़ को, बिकॉज सभी लोग आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अमेजन ने कुछ ऐसा किया होगा, और अगर किया भी है तो उसका बहुत जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो भी क्या सॉल्यूशन आता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में अगले जो मेरे ब्लॉगिंग वीडियोज़ रहेंगे उनमें बताने की कोशिश करूँगा। कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।